मैं मिर्ज़ा निसार अहमद बेग एडवोकेट कन्वेनर ऑल इंडिया एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब कर रहा हूँ। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करने का मकसद ये है कि हमको जो रेवंत रेड्डी साहब इलेक्शन से पहले प्रॉमिसेस किए थे वो प्रॉमिसेस फुलफिल करो, हमारा डिमांड है। और सबसे अहम चीज़ आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ मैं, 1956 में आंध्र प्रदेश फॉर्म हुआ, 1956 से जो है कोई भी मुसलमान एडवोकेट को आज तक एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का पोस्ट नहीं दिए। दूसरे जो पोस्ट हैं गवर्नमेंट लीडर के, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के, असिस्टेंट गवर्नमेंट लीडर्स के, ये पोस्ट मिले हैं, मगर काबिल विकला जो भी हैं मुसलमानों में वो लोगों को किसी को भी तरजीह नहीं दिया गया। अब ये लोग क्योंकि रिक्वेस्ट हमारे प्रॉमिसेस किए हैं कि हम देंगे, और मुसलमान सारे इनके ऊपर उम्मीद करके अपने अपने वोट इन कांग्रेस के फेवर में देके इनको फिर से पावर में लेकर आए, तो अब इनकी बारी ये है कि मुसलमानों को जो प्रॉमिस किए हैं वो फुलफ़िल करें। प्रॉमिस फुलफ़िल करने के लिए जो है हमको एडवोकेट्स को जो पोस्ट 67 ईयर्स हो चुके हैं अब तक नहीं मिले, वो पोस्ट अगर देते हैं कांग्रेस वाले तो कांग्रेस गवर्नमेंट एक हिस्ट्री क्रिएट कर सकती। हम उस तरफ भी उनकी तवज्जो दिला रहे हैं कि आप दूसरे गवर्नमेंट की तरह हमको नेगलेक्ट मत करो, नज़रअंदाज मत करो बोल के। अब देखना यह है कि आने वाले जो एमपी के इलेक्शंस हैं उसमें भी ये लोग अपना भरोसा कायम रख के हमारे वोट लेते हैं, या हमारे को नेगलेक्ट करके बोलते हैं कि भाई हमारे बुरे आदतें इतनी आसानी से नहीं मरते और हम जो है सिर्फ प्रॉमिस करने वाले हैं, देने वाले कुछ नहीं है। अब देखना है, घोड़ा मैदान सामने है, कांग्रेस क्या करेगी क्या है उनके ऊपर है। हमारी बात आपके ज़रिए रेवंत रेड्डी साहब तक, कांग्रेस की गवर्नमेंट तक, उनके हाईकमांड तक पहुँचाना हमारी कोशिश है, ताकि कल वो ये नहीं बोलें कि आप आए नहीं हम नहीं दिए। आज हम आपके पास आए हैं, इंटरव्यू नहीं मिला, प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हमारी आवाज़ आप तक पहुंचा रहे हैं, आप सुनिए और इसके अमल में लाइए, आपकी प्रॉमिसेस को फुलफ़िल करिए। वकला अहलियत के तकाज़ों को पूरे करते हैं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे करते हैं। कितने एडवोकेट होंगे ऐसे? देखिए, अब एट प्रेजेंट खाली हैदराबाद में जो है 3,500-4,000 एडवोकेट्स हैं, मुस्लिम एडवोकेट्स, उसमें जो हैं लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, बड़े सीनियर एडवोकेट्स भी हैं तेलंगाना में, पूरे तेलंगाना में उससे और ज़्यादा है। तो ये जो आप पोस्ट फुल करने की ज़रूरत बता रहे हैं उसके लिए इतने हज़ार एडवोकेट्स हैं? नहीं, देखिए पोस्ट तो एक है एडवोकेट जनरल का, एडिशनल एडवोकेट जनरल के दो पोस्ट है। बीआरएस गवर्नमेंट सिर्फ एक ही एडिशनल एडवोकेट जनरल रखे थे, एक को नहीं रखे। अब कांग्रेस क्या रखते हैं क्या नहीं उनके ऊपर है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसका एक पोस्ट होता है, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स दो होते हैं, तो उसमें फिर उन्होंने कितने रखेंगे उनके ऊपर है। क्योंकि ये क्या है, क्लाइंट अपने वकील को सेलेक्ट करने के प्रोसेस है। अब वो लोग जो हैं एक वकील को रख के भी काम ले सकते, चार वकील को भी रख के काम ले सकते, उनकी खुशी के ऊपर है। तो मेरिट बेसिस पे क्या पोस्ट नहीं दिया जाता? मेरिट बेसिस पे देते हैं, मगर अब क्योंकि पॉलिटिकल पोस्ट हो गया ये, तो मेरिट बहुत पहले ख़त्म हो गया। तो फिर अब तो सरकार के डिस्क्रिप्शन पे ही रहे? डिस्क्रिप्शन पे है, अब से नहीं, 1956 से हो गया। तो अब आप किन किन एडवोकेट्स का नाम लेंगे जो हकदार है? देखिए, बहुत बहुत मुस्लिम एडवोकेट्स पोस्ट को जो है काबिल हैं, हमारे पास सीनियर एडवोकेट्स हैं, बहुत एक से एक सीनियर एडवोकेट्स हैं। जैसे कि हमारे देखिए अली फारूक एडवोकेट हैं, और फिर हमारे मुफीद कुरैशी हैं, फिर देखिए हमारे यमे के मुफीद हैं, और जेड एच जावेद हैं, ये दोनों बार काउंसिल के मेंबर्स भी हैं, और एक सीनियर एडवोकेट हैं जो डेजिग्नेट हैं उनके। एक मुस्लिम एडवोकेट हैं, और एक आप खुद भी हैं शायद? हाँ, मैं भी हूँ, और हमारे एक मुस्लिम और दीगर मुस्लिम वकला भी हैं जो काबिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इस जिम्मेदारी को बड़ी आसानी से संभाल सकते हैं। गवर्नमेंट को गाइड भी करेंगे कि उनकी एक्सपर्टाइज से कि उनके केसेस क्यों वो लोग हार रहे हैं, और जीतना चाहे तो कैसा जीतना चाहे। ये तो अब अगर कांग्रेस हुकूमत
मुस्लिम एडवोकेट को पोस्ट नहीं देती है, तो आप लोगों का अगला एग्जाम क्या रहेगा? कुछ नहीं, बस देखिए हम पब्लिक को अवेयर करेंगे कि गवर्नमेंट जो है कांग्रेस गवर्नमेंट फिर से अपने जो भरोसा हम उनके ऊपर किए थे वो भरोसा ख़त्म हो गया। अब आगे जो दूसरे प्रॉमिसेस हैं वो क्या होंगे क्या नहीं होंगे वो अल्लाह आलम बिस्सवाब। दूसरे प्रॉमिसेस के लिए तो जंगे पुतुर पे काम हो रहा है, क्योंकि बहुत जल्द पार्लियामानी इंतखाबात हैं, तो अगर वो प्रॉमिस फुलफिल करेंगे तो उनके चांसेस बनेंगे। बिल्कुल, तो उसी में अगर आप अपनी तहरीक मजबूत करेंगे तो हो सकता है एक मुस्लिम एडवोकेट को कोई पोस्ट मिले। जी हाँ, हमारी कोशिश वही है कि एक मुस्लिम एडवोकेट को जो है एडिशनल एडवोकेट जनरल का पोस्ट दे या एडवोकेट जनरल का पोस्ट दे, और आज तक जो 67 ईयर्स में जो काम नहीं हुआ वो करके कांग्रेस हिस्ट्री क्रिएट कर सकती है, ये बताने के लिए कि देखो हमें मुसलमानों को हम कितना अजीज़ रखते हैं, कितना करीब रखते हैं, अपनी प्रॉमिसेस को किस तरह फुलफ़िल करते हैं, ये वो बता सकते हैं। उनके ऊपर है पूरा, हमारा काम है उनके करीब जाना, आवाज़ देना, उनको याद दिलाना, उनके जो जो भी प्रॉमिसेस हैं करना। చేయొస్తుంది ఓకే డన్ ఉంచుతారా పగర హలో ఎవ్రీవన్ Success Group of institutions have organized Sports Carnival this year under the banner of Success Sports Academy to encourage students to have fun, to get active, and to work together in various physical activities and challenges. As it is said that a sound mind lies in a sound body, we want all our students to be good at both studies and sports. I congratulate all the students who achieved victory in the qualifying rounds and even to those who lost. I am thrilled to inform you about the much awaited final competitions going to be held at LB Stadium on 19th and 20th of this month. Be evident to encourage and appreciate the sportsmanship and excellence displayed by your talented students. I wish everyone all the very best for the final competitions. Thank you.